भाई मोबाइल दे रहा है। मैं इधर मैं नीचे कर जाना है। अरे तो साइड में जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आने वाला हाथ हटाइए। मैम लेफ्ट हैंड नीचे कर लीजिए। लेफ्ट हैंड नीचे। लेफ्ट हैंड नीचे। मैम लेफ्ट हैंड नीचे। सरकार कोई बात नहीं आया है। सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है उसी लिस्ट के तहत मैं, इसी व्यवस्था के तहत मैं ये लगवा रहा हूँ कि जो 100 लोगों की जो लिस्ट आई है उसी लिस्ट में भी मेरा नाम है और उसी व्यवस्था के तहत मैं ये वैक्सीन लगवा रहा हूँ। सर कैसे एहसास हो रहा है ये बताइए सबसे पहले वैक्सीन को लेकर। देखिए वैक्सीन के अंदर जोश पूरा है। मैं सलाम करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को। मैं सलाम करता हूँ 130 करोड़ देशवासियों के धैर्य को। मैं सलाम करता हूँ अपने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को। जब लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में जाने को तैयार नहीं थे, हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उन सब लोगों ने पूरे धैर्य से इसको किया है। और मैं आप मीडिया कर्मियों के भी अपनी जिम्मेदारी को भी, आपने जो जिम्मेदारी निभाई इस कोरोना काल के अंदर, मैं उसको भी सलाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ आज ये खुशी का दिन आ गया है कि हम सब लोग इस कोरोना महामारी से निर्णायक लड़ाई में जो अंतिम दौर में हम चले हैं, आज वहाँ भी हम लोगों की जीत होगी। मैं 10:30 बजे जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करेंगे, 11 बजे मैं स्वयं रहूँगा और खुद वैक्सीन लूँगा। अच्छा, देश के अंदर तमाम लोग भी हैं इसको लेकर, तमाम लोग जो लोग इसको लेकर डर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए डरने की बात से मैं कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते स्वयं आज वैक्सीन लूँगा। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है देश के लोगों को। जब उनके देश के वैज्ञानिकों ने जब ये जांच के बाद ये वैक्सीन जारी करी है, पूरी सुरक्षित वैक्सीन। आप क्या किस तरीके की तैयारी? मेरे यहाँ की तैयारी में देखिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इसलिए सारी टीम लगकर कोरोना वैक्सीन का इंतजाम, जो भी गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई है उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। जी बिल्कुल।